हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तालिब खान। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टॉप 5 न्यूज़ ऑफ द डे बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल तालिब खान को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ आ रही है, रेडमी 6 स्मार्टफोन एक बार फिर फ्लिपकार्ट पर होगा सेल में उपलब्ध। जी हाँ दोस्तों, रेडमी 6 स्मार्टफोन एक बार फिर फ्लिपकार्ट पर होगा सेल में उपलब्ध। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेडमी 6 स्मार्टफोन एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और इसके कुछ फीचर्स और ऑफर्स और कीमत के बारे में जानकारी आज ले लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं, रेडमी 6 के 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है 7,999 रुपये, जबकि डिवाइस 3 GB और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट की कीमत है 9,499 रुपये की कीमत में पेश किया जाता है। और रेडमी 6 की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के कुछ बारे में, इसके डिस्प्ले 5.45 इंच के HD डिस्प्ले में मौजूद है और रेडमी 6 2.0 GHz के पर काम करता है। डिवाइस में ड्यूअल रियल कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी सेंसर कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। और ये MIUI 9 पर काम करता है। और दूसरी न्यूज़ आ रही है दोस्तों, गूगल से पहले ही सुपर 30 ने कमाई धूम, ने मचाई धूम। गूगल ने ऋतिक रोशन को खुश खबरी। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन की फिल्म है ये, जैसा कि आप फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुपर 30 ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। ऋतिक रोशन पिछले साल फिल्म काबिल में नज़र आए थे और अब फैंस को उनकी आने वाली फिल्म सुपर 30 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये फिल्म तो अगले साल रिलीज होने जा रही है, लेकिन रिलीज से पहले ये फिल्म हिट साबित हो गई है। ये फिल्म भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान की प्रवेश परीक्षा करने के लिए चर्चित बन रही है और 5 सितंबर यानी टीचर्स डे पर इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया था। 5 सितंबर को इसका पहला पोस्टर जारी किया गया था और एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। ऋतिक रोशन एक बहुत ही अच्छे सुपरस्टार हैं और ये बहुत ही अच्छी फिल्में बनाते हैं और इनकी काबिल बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जिनकी ये फिल्म काबिल बहुत ही सुपरहिट गई थी। और तीसरी न्यूज़ आ रही है, रेडमी नोट 5 प्रो लेने से अच्छा ये फ़ोन ख़रीद लें। जी हाँ दोस्तों, रेडमी नोट 5 प्रो लेने से अच्छा ये फ़ोन ख़रीद लें। शाओमी के का इस साल का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन रेडमी नोट 5 प्रो है। बेशक स्मार्टफोन बेहतरीन कैमरा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तथा किफ़ायती कीमत से की गई सेल के कारण नहीं मिल पाता है। यदि ये आपको दुकानों पर नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये सिर्फ सेल में बिकता है। और ये रेडमी नोट 5 प्रो से अच्छा लेना है MI A1 ले लीजिए आप, या MI 5X का एडवांस ले लीजिए। और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। MI A1 के लिए नई दिल्ली में ग्लोबल इवेंट होस्ट किया गया है। दरअसल ये चीन में लॉन्च की गई Xiaomi MI 5X का एडवांस अवतार है। Xiaomi Mi A2 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह एक एडवांस फ़ोन हो सकता है। फ़ोन 5.9 इंच का फुल डिस्प्ले है। और चौथी न्यूज़ आ रही है 24 अक्टूबर को लॉन्च होगा MI का ये स्मार्टफोन। जानिए इसके फीचर्स और कीमत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 24 अक्टूबर को लॉन्च होगा MI का ये स्मार्टफोन। जानिए इसके फीचर्स और कीमत के बारे में। तो चलिए इसके फीचर्स और कीमत के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। 24 अक्टूबर को MI का लॉन्च करने जा रहा है अपना सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसके आगे ये आगे सभी फ़ोन फेल है। ये स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi MI Mix 2S और ये स्मार्टफोन 24 अक्टूबर को लॉन्च होगा MI का तक का सबसे शानदार स्मार्टफोन हो सकता है। तो चलिए इसके फीचर्स एक बार देख लेते हैं। इसके डिस्प्ले 5.9 इंच की स्क्रीन मिलती है और 180x2161 का इसका रेजोल्यूशन है। ऑक्टा कोर पर चलता है, स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर पर है। 2.8 GHz क्वाड कोर का प्रोसेसर है और 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल का है। 12+12 मेगापिक्सल रियल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। और पांचवी न्यूज़ आ रही है, Xiaomi ने रिलीज किया नई अपडेट MIUI 10।
रोम अपने रेडमी ग्राहकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, एमआई ने लेटेस्ट वर्जन में MIUI 10 अपडेट किया है। और दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, Xiaomi ने लॉन्च किया MIUI 10 अपडेट कुछ ऐसी मोबाइल्स में, जैसे कि Note 5 Pro और MI Mix S2S और बहुत से ऐसी मोबाइल्स हैं जो MIUI 10 अपडेट के लिए हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं। हमसे कुछ भी गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे चल कर हम सुधार सकें। और आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।